तुम हो दयाल, दया की मूर्ति, तेरी दया का दान मिले। राधा स्वामी 2023 वर्ष का आज पहला दिन है, पहली तारीख है। आप सबके लिए जो इस समय मानवता मंदिर के इस प्रांगण में बैठे हैं, आप सबके प्रति मैं सद्भावना रखता हूं और उस मालिक के चरणों में, उस अकाल पुरुष के चरणों में, उस राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपको मालिक तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, आपके जीवन को सुखमय बनाए, आपके घरों में शांति हो और आपके बच्चे और आपके रिश्तेदार सभी सुखी रहें और उनकी भी मनोकामना पूरी हो। आज इसी सत्संग के साथ ये दो शब्द आपने सुने, एक गुरबाणी का शब्द है जिसमें महापुरुषों ने योगी को आदेश दिया कि ये तेरा योग जो तुमने जटा रखी हुई है, जब विभूति लगाई हुई है, इससे तेरा काम नहीं चलेगा। मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बोलता चलूँगा। और गुरु मत और मन मत के बारे में आज मैं पहले आपसे बात करूँगा, फिर मैं आपको कुछ आज देना चाहता हूँ कि आपको चाहते क्या हो ज़िंदगी में। ज़िंदगी में साली पहली बात तो है कि ज़िंदगी की ज़रूरतों का पूरा होना चाहिए, यह सबसे पहली बात है कि रोटी खाने को मिलनी चाहिए। कोई आदमी भजन नहीं कर सकता अगर उसको भोजन नहीं है, कोई आदमी भजन नहीं कर सकता अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है, कोई भी आदमी नाम का सिमरन नहीं कर सकता अगर उसके घर में शांति नहीं है। ये तीन चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए संत मत में सबसे पहली बात की गई है कि तुम पहले अपनी दुनिया को बनाओ, और दुनिया किस तरह से बन सकती है, वो किसी सतपुरुष के साथ लग कर उनकी हदायत पर चलते हुए तुम्हारी दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इसको होते देखा है और मेरा ये अनुभव कहता है कि जब तक आप अपने मन के पीछे लगे हुए हो, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी आपको इच्छा है। मन और है, मन मत और है, गुरु मत और है। गुरु मत आपके जीवन को बनाता है, मन मत आपके जीवन को बिगाड़ता है। तो आज दाता दयाल जी का पहले आपको एक शब्द सुनाता हूँ जो बहुत प्यारा है। वो हमें क्या गाइड करते हैं कि तुम क्या मन मत में रहना चाहते हो या गुरु मत में आना चाहते हो। मन तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, घोड़े दो हैं, एक मन का घोड़ा है, एक गुरु के ख्याल का घोड़ा है। आपने किस पर सवार होना है, ये संतों की वाणी है जो संत कहते हैं, वो मैं आपको सुनाने चाहता हूँ। आपको शब्द मिला? नहीं मिला पिताजी, अभी नहीं मिला। भाई भाई, गुरु मत है मन मत से भिन्न, भाग दो में निकालो। मिल गया, पढ़िए। आप गुरु मत में बैठे हैं ना, तो पहले आपको मैं अलग तो कर दूं मन मत से, फिर गुरु मत में आओ। गुरु मत में आओगे तो रास्ता मिल जाएगा, मन मत में रहोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। पढ़िए क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज। भाई गुरु मत मन मत में है भेद, इनमें बहुत बड़ा भेद है, आकाश और जमीन का भेद है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। एक शरीर एक जीवन को बनाने वाला है और दूसरा जीवन को गलत रास्ते पर लाने वाला है। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़िए। भाई गुरु मत मन मत में है भेद, गुरु मत तो है सतगुरु का मत, गुरु मत तो है सतगुरु का मत, मन मत भाई। अब उन्होंने क्या कहा, गुरु मत क्या है? मत कहते हैं राय को, समझ को, ज्ञान को,
गाइड को, विवेक को मत कहते हैं। अब हमारे देश में मत तो बहुत हैं, लेकिन असली मत क्या है, जो गुरु बताता है। वो कहते हैं सतगुरु का जो बताया हुआ मत है, जो उनका अनुभव किया हुआ विचार है, जो उन्होंने जीवन में आकर देखा कि जिंदगी सुखमय कैसे बन सकती है और जिंदगी का उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है, वो उसको सत मत, गुरु मत कहते हैं, सतगुरु का मत कहते हैं। और दूसरा जो मनमुख है, मन के पीछे चलने वाले हैं, केवल अपने मन की बात को मानते हैं, दूसरे किसी की सलाह नहीं मानते, किसी बड़े की सलाह नहीं मानते, किसी अनुभवी पुरुष के पास नहीं बैठते, किसी ज्ञानी इंसान के पास नहीं बैठते जिसने अपना अमली जीवन बनाया है, किसी बात को मानकर उसका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए मनमुख संत मत में कोई जगह नहीं रखता। गुरुमत में सिर्फ सतगुरु की महिमा है, सतगुरु की वाणी की महिमा है, सतगुरु के वचन की महिमा है, सतगुरु के आदेश की महिमा है। उसको समझना है कि आपको एक सतपुरुष ने क्या आदेश दिया कि बच्चा तूने क्या करना है, कैसे चलना है जिंदगी में, जिसकी मसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। आगे चलो। गुरु मत तो है सतगुरु का मत, मन मत मन मत भाई, अहम भाव की जड़ है एक में, दूजा अहम नसाई। फिर बताओ। अहम भाव की जड़ है एक में, दूजा अहम नसाई। मैं समझा नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ो फिर आराम से पढ़ो, एक एक शब्द को पढ़ो। गुरु मत तो है सतगुरु का मत, मन मत मन मत भाई, अहम भाव की जड़ है एक में, दूजा अहम नसाई। एक में अपनापन है, दूसरे में अहमपन है, ये मैं समझता हूँ क्या कहते हैं। अब जो अपनापन है और अहमपन में क्या फर्क है, ये सुनने की कोशिश करना। मन मत जो होते हैं उनमें ईर्ष्या होती है, उनमें द्वेष होता है, उनमें नफरत होती है, उनमें शत्रुता होती है, उनकी नज़र में हमेशा बुराई होती है। वो किसी सुखी को देखकर सुखी नहीं हो सकते, बल्कि वो किसी दुखी को देखकर सुखी होते हैं। ये मन मत वालों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो दया, जो सतगुरु की वाणी कहती है, जो सतगुरु कहते हैं, तो कहते आपे आप में आ जाओ। आपे आप में क्या है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, भक्ति है, सत्य है, झूठ नहीं है उसमें, उसको कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो सन्यास है, जो योगी है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, जो योगी है उसमें होना क्या चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, तब किस बात की जटा जूट रखी हुई, क्या जटा जूट का मतलब है, उसका मन के ऊपर तो कंट्रोल है नहीं। वास्तव में जो जटा बांधी जाती है उसका मतलब ये है कि उसने मन को बांध लिया, मन उसका बिखरा हुआ नहीं है। फिर उन्होंने आगे सत्य का नाम लिया कि उसको सत्य पर चलता है, फिर उसमें दया होती है, उसमें क्षमा होती है, उसमें शीतलता होती है, सहनशीलता होती, सत्यता होती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें सद्भाव होता है। ये सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन हैं वो किस में होती हैं, वो गुरुमुख में होती हैं, एक असली सत्य योगी में होती हैं। योगी का मतलब क्या होता है, योग क्या है कि एक चीज़ को दूसरी के साथ मिलाना, योग 2+2=4। इसलिए मन और सत्य दोनों मिल गया तो योग हो गया, मन और झूठ मिल गए तो गलत बिगड़ जाएगी। क्या कहा मैंने, और योग है क्या, योग है बुलिया रबदा की पौना, इधरों पटना इधर लौना, मन को नीचे की बजाय ऊपर को ले जाने का नाम योग है।
इसलिए दाता दयाल जी के महाराज के एक और शब्द है, तुम उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना, ये उल्ट चलना पड़ता है। उल्ट का मतलब क्या है कि नाम का सिमरन उल्टा किया जाता है। जैसे राधा राधा धारा के रूप में नीचे आई, हमारी सुरत पता नहीं कहाँ से कब से चली हुई है, जुगुन जुगुन से चली हुई है, और आती 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 अपने सदगुरु के चरणों में आ जाती है। जिनके भाग्य में लिखा है वो ही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। बिन भागा सत्संग ना लबे, ये गुरबाणी कहती है, और बिन सत्संग मैल परिजे जी, और सत्संग के बगैर मन गंदा होता जाता है, हर रोज नई नई मैल अंदर आती जाती है। सत्संग में दाता दयाल जी का एक और शब्द है, धोबिया प्रगटा जग में सजनी ली जो चुनरी दलाई, कि जो हमारे मन की चुनरी है वो सतगुरु के दरबार में धोई जाती है, और उसके जो पुराने संस्कार हैं उनको मिटा दिया जाता है और नए संस्कार उनको दिए जाते हैं। ये फर्क है एक गुरु मत में और मन मत में। मन वाला गुरु की बात को नहीं सुनता, वो कहते हैं ऐसे बोलते हैं, पैसा कमा रहे हैं, इनका क्या काम है, मेरी बात समझ गए। उनके लिए मैं खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए झूठ बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए अपनी कमाई जो गलत है उसको करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पैसा जैसे मर्जी कमाओ, बस उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। और बेशक वो सारे का सारा पैसा फिर हॉस्पिटल में देना पड़े, उल्टा सीधा कमाया हुआ। हक हलाल की कमाई कभी गलत नहीं जाती। जो हेरा फेरी करके झूठ बोल कर्म काय किया जाता है, जो कि आज मेरे देश में बहुत ज़्यादा प्रबल है, इसलिए नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं और खुलेंगे अभी, क्योंकि हमारे डॉक्टर या हमारे जो शिक्षा देने वाले हैं वो हमें ये नहीं बताते कि हमें खाना क्या चाहिए, हमें पीना क्या चाहिए, बस जोर दिया हुआ है भगवान भगवान भगवान। ना उन्होंने देखा ना किसी ने आज तक देखा वो क्या है क्या नहीं, बस यही कहते आते जाओ, पैसा देते जाओ, नाम ले जाओ, बाकी अपना जो मर्जी करो। क्या कहा मैंने, ऐसे ऐसे पंथ भी मैंने देखे हैं, वो कहते नाम ले लो बाकी जो मर्जी खाओ, कोई छुट्टी, बस कोई कुछ नहीं करने की जरूरत। ये कोई धर्म है, ये मन मत है, और अफसोस ये है कि दुनिया मन मत के पीछे ज़्यादा है, सत्य के पीछे आने वाली बहुत कम है। आप देख लो यहाँ कितना है, आप कितने लोग बैठे हैं, बात समझ गए। और अगर कोई वो आ जाए बड़ा वाला जिसका दुनिया ने नाम बड़ा छुपाया हुआ है, वहाँ बैठने को जगह नहीं मिलती, वो इतनी भी खुशी है कि दर्शन हो गए महाराज जी के, दर्शन हो गए, बस दर्शन हो गए जी, बस आज दर्शन कर लिए, हम तर गए। दर्शनों से नहीं तरोगे, गुरु गुरु बाहर करता अपने खट में कभी न लाता, गुरु को अपने खट में नहीं लाते, बाहर ही खुशी है कि हम दर्शन कर आए जी। या फिर क्या किया, भोजन करके आए, लंगर खा के आए, दूसरा क्या किया, अपने रिश्तेदारों को मिल लिया। ये गुरु मत नहीं है, ये मन मत है, और ये कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है मन मत, इसमें तो कोई भाग्यशाली ही आएगा। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। गुरु गम निरखे परख कर चलना, गुरु गम निरखे परख कर चलना, गुरु मत के अनुसार। गुरु मत क्या है, निरख परख करके चलना, देखना सोचना विचार करना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर कोई और सलाहकार नहीं है तो दीवार से सलाह ले लो, कितनी अच्छी बात होती थी। अगर कोई और सलाहकार नहीं है तो दीवार से सलाह ले लो, क्योंकि दीवार से जब आप बात करेंगे तुम्हारे अंदर से आपको गाइड करने वाला बोलेगा, करके देख लो। मंदिर में हम जाते हैं, किसी मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, वह क्या क्या होता है देखा कभी आपने, ध्यान से ख्याल किया, तुम्हारी आंखें बंद होती हैं कि नहीं होती। मंदिर में जाओगे वहाँ मूर्ति है, आपकी ऐसे आंखें बंद हो जाएंगी। मूर्ति आपको कह रही है कि मुझे बाहर क्या देख रहा है, मैं तेरे अपने अंदर में हूँ।
मगर आपकी सुनने वाली वो अंदर आवाज़ नहीं है, आप उसको सुनते ही नहीं हो। आप वहाँ खड़े होकर मांगते हो मुझे ये मिल जाए मुझे ये, आपको मिलेगा इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन मूर्ति आपको गाइड नहीं कर सकती। मूर्ति आपको ये नहीं बताए कि बेटा जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये ठीक नहीं है। चोर चोरी करने का भी अपने इष्ट को मानता है कि मैं आज चला हूँ मेरा काम हो जाए, क्या कह रहा हूँ, धक्का मारने वाला भी अपने इष्ट को मान कर जाता है कि आपके मैं चढ़ा भा चढ़ाऊँगा मेरा ये काम हो जाए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इसलिए ये मन मत है। जो कुछ भी आप बाहर मुखी कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो कुछ भी बाहर मुखी आप कर रहे हो, चाहे वो पूजा है, चाहे वो पाठ है किसी मंत्र का, चाहे गायत्री मंत्र का, चाहे किसी ने इंसान को आपको बता दिया कि ये करो, वो बाहर मुखी है। जो वर्णात्मक आप शब्द बोलते हैं वो भी आपको वहाँ नहीं पहुँचाएगा, वो केवल तुम्हारे मन को यहाँ इकट्ठा करने के लिए है, और उस मन के इकट्ठा करने के बाद तुम्हारा गुरु मत शुरू होता है। गुरु मत अंदर से शुरू होता है, मन मत बाहर को आपको लेकर गाइड करता है। मैं आपको क्या कहूँ, मैं कहीं एक बहुत बड़ी फंक्शन में गया, सनातन धर्म का फंक्शन था, मैंने वहाँ आधा पौना घंटा बोला, और वहाँ एक प्रोफेसर भी आया हुआ था संस्कृत का, उसने वहाँ कहा कि जो मेरा नाम लेकर कहा कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है, मगर लोग इस पर चलते नहीं हैं। उसके बाद खाने पर बैठे हम तो एक विद्वान मेरे साथ बैठ गया, विद्वान सनातन धर्म का विद्वान। मैं सिर्फ इतना कहा कि सनातन धर्म में गिरावट आ गई है, सनातन धर्म तो हमारे अंतर का ज्ञान था लेकिन हमने अपने आप को मूर्ति के साथ जोड़ दिया। तो उसने मेरी तरफ ऐसे घूर कर देखा, मैं समझ गया कि इसको मेरी बात बुरी लगी है, मैंने टॉपिक को वहीं बंद कर दिया, क्योंकि कहा गया है मूर्ख नाल ना उलझिए, मूर्ख के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगले की रीडिंग ले ली, बस चुप हो गए, ये इस चीज़ के हकदार नहीं है, बात समझ गया। तो क्या कहा इसी लाइन को दोबारा पढ़ो, गुरु का मन रखे परख कर चलना। गुरु का भेद, गम कहते हैं भेद को, गुरु का गम मित्र, गुरु की बताई हुई बात को जो कि अनुभवी है उसकी निरख पर करके उस पर चलना गुरु मत है। अब आप अपने आप को सोच लो, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपने फैसला करना कि आप गुरु मत में हो जो मन मत में हो, और क्या आगे पढ़ो इसके। गुरु का मन रखे परख कर चलना, गुरु मत के अनुसार। गुरु मत के अनुसार, गुरु मत क्या कहता है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले आपको। जब मन देखा अपना मुँह से बुरा न को, ये है गुरु मत। अपने आप को देखना है, तुम्हारी दृष्टि जैसी है वैसी सृष्टि है, जैसा तुम्हारा विचार है वैसा ही तुम्हें दुनिया नजर आएगी, जैसा तुम्हारा अंदर है वैसा ही तुम्हें बाहर नजर आएगा। अंदर आपके झूठ है तो दूसरे भी झूठ बोलते नजर आएंगे। अगर आपकी दृष्टि में आपके नज़र में गंदगी है तो आप पराई स्त्री को बड़े और ख्याल से देखोगे। अगर पराई स्त्री को आपने बहन माना है या माता माना है या बेटी माना है तो तुम्हारी दृष्टि में और ख्याल आएगा। क्या कहा मैंने, यही बात मैंने सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि तुम्हारी यही आँख है, यही आँख अपनी पत्नी को देखती है तो इसकी भावना क्या होती है, अपनी बेटी को देखती तो इसकी भावना तुम्हारे मन की क्या होती है, अपनी बहन को देखती है तो उसकी भावना क्या होती है, जब किसी और स्त्री को देखती तो इसकी भावना क्या होती है। इस बात को समझने की कोशिश करना है। क्या कहा मैंने, यह है गुरु मत। लेकिन हम इस बात के ऊपर गौर नहीं करते। आंख तुम्हारी एक है, ये दो आंखें हैं ना, दोनों आंखें मिलकर एक देखती हैं, दोनों आंखों में फर्क तो नहीं है ना,
कि ये आंख बंद कर ली तो ये कुछ और नजर आया, ये बंद कर ली तो कुछ और नजर आया, नहीं। दोनों जब देखेंगी पूर्ण देखेंगी, पूर्ण क्या है वो मेरे सतगुरु महाराज का रूप है और कुछ भी नहीं। पूर्ण जब देखोगे, ऐसे ही हमारा मन है, ऐसे ही हमारा सांस है, ऐसे ही मेरी जुबान है, सब एक है, दो नहीं। नजर दो आते हैं, दुविधा है, लेकिन दुविधा में दुविधापन है नहीं। इस बात को समझने की कोशिश करना है कि जो कुछ है तुम्हारी अपनी नज़र में है, जो दो कान हैं आपके, ये नहीं कि ये कान और सुन रहा है तो ये कान और सुन रहा है, जो झूठ सुनता है तो जो सत्य सुनता है, नहीं, एक ही बात सुनेंगे ये दोनों मिलकर। इसलिए अगर ये दोनों एक बात सुनते हैं, आँख भी एक ही चीज़ देखती है, तो फिर मेरा क्या अधिकार है कि मैं उसको दो रूप में देखूं? मैंने बात बहुत ऊंची कह दी है, इस पर विचार करो, इस पर सोचो। ये गुरु मत है, गुरु मत इसलिए कहता कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो तुम भटक जाओगे, भटक गए तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कहा मैंने, फिर पछताए क्या, होते हैं जब चिड़ियां चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं होगा। आगे पढ़ो। मन मत चाल चले जो कोई, मन मत चाल चले जो कोई, चित बाढ़े अहंकारा। जो मन की चाल पर चलता है उसमें अहंकार पैदा हो जाता है। मन जब नीचे को आता है तो उसको तरह तरह के अहंकार पैदा हो जाते हैं। पहले तो अपने शरीर का ही अहंकार करता है और उसको ये नहीं पता कि ये शरीर उसका नहीं है। फिर अपने विचारों का अहंकार करता है कि मैं बहुत बड़ा विज्ञान, मेरी बात सुनो भाई, दूसरा कोई ना बोले, वो मन का अहंकार हो जाता है। फिर अगर कोई किताब पढ़ ली, चार लाइनें पढ़ ली किसी महापुरुष की, फिर वो ज्ञान की बातें करता है, अपना अनुभव कुछ है नहीं। क्या कहा मैंने, उसको फिर अपनी आत्मिक अहंकार हो जाता है, जबकि वो अहंकार किसी भी काम का नहीं है। अहंकार का मतलब क्या है, अहम मीन मैं, आकार मीन मेरा रूप, मेरा रूप क्या है उसको समझना है, उसको कहते हैं अहंकार। वो मन चित्त बुद्ध से आगे है, दुनिया केवल मन चित्त और बुद्ध में रहती है। बस ये मन चित्त और बुद्ध क्या है, ये काल मत है, ये समय समय के बदलता रहता है। सुबह और है, दोपहर को और है, शाम को और है, पत्नी पर बैठा पास बैठा तो और है, बच्चों में बैठा तो और है, दूसरी औरत के पास बैठा तो और है, दूसरे लोगों के बीच में बैठा तो और है, पिता के पास बैठेगा तो और है, पुत्र के पास बैठेगा तो और है। अनुभव करके देख लो तुम, आप सोच लो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम्हारा मन काल के अनुसार है, समय के अनुसार है, स्थान के अनुसार बदलता रहता है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और हालात के मुताबिक तुम्हारा मन दौड़ा रहता है। तुम एक सार कभी भी नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं आया। कौन सा विश्वास नहीं आया, जो दाता दयाल ने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज को कहा, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई न जगाना। गुरु ने तुम्हें भेद दिया और तुम्हें चताया, क्या चताया, संत मत धार हिए तज मोह माया। मोह माया क्या है, मन के तरह तरह के ख्यालों का उठना। अच्छे ख्याल आ गए तो खुशी मिली, बुरे ख्याल आ गए तो बुराई, दिल दुखी हो जाता है। आपके ख्याल ही आपको नाचना चाहते हैं ना, और क्या है। तुम्हें नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन घर में बैठे हो, किसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तुम्हारा अपना ही ख्याल खराब हो गया, तुम्हारा अपना खाना ही खराब हो गया। तुम मन में जो भी कुछ पैदा करते हो वो तुम्हारे जीवन का आधार है। इसलिए, और मन बनता कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। संतों ने कहा, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन,
अगर हक हलाल की कमाई है तो तुम्हारा मन बहुत शुद्ध रहेगा, तुम्हारी दृष्टि में सच्चाई है, तुम्हारी दृष्टि पवित्र है, तुम्हारी नज़र में एकता है, प्रेम है, तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अगर तुम फोटुओं में गलत देखते हो तो भी तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, अगर तुम गलत सुनते हो तो भी तुम्हारा मन बहुत खराब हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। एक बार एक प्रोफेसर साहब यहाँ आए, बड़े हट्टे कट्टे, मेरे जैसे दो निकले उसमें से, अच्छी सेहत, बैठ गया, कहता बाबा जी मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं यहाँ बैठा हूँ साथ, मेरा मन शांत नहीं रहता। तो मेरे सदगुरु ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत करैक्टरलेस हो, व्यभिचारी हो। उसको गुस्सा आया, कहता महाराज जी आप बड़ा झूठ बोलते हैं, मैं तो कुछ कभी कोई गलती नहीं की, मैंने तो कभी किसी औरत को बुराई से नहीं देखा, किसी से कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, आपने मेरे शरीर को व्यभिचारी कह दिया। अच्छा, ठीक कहा आपने, जी महाराज मैंने ठीक कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब तुम ये बताओ कि जब तुम कॉलेज में पढ़ते थे या पढ़ाते थे तो तुम क्या करते थे, बताओ। पकड़ ली उसकी नब्ज, कहते महाराज जी सच कहता हूँ कि मैंने एक एल्बम बनाई हुई थी, एल्बम, उसमें सुंदर से सुंदर लड़कियों की फोटो लगाई हुई थी और मैं उनको देखकर मनोरंजन कर लिया करता था। क्या कहा बाबा जी महाराज ने, यही भी विचार है, तेरी दृष्टि विचारी है, तेरे मन में खोट है, तुम औरतों को देखकर खुश होते रहे हो, तेरा मन बहुत गंदा है, इसको मन को साफ कर फिर मेरे पास आना। क्या कहा मैंने, हम ऐसे ही बने हुए। मैं एक जगह चला गया, बहुत देर की बात है, 10 साल हो गए होंगे, मुझे साथी किसी के घर ले गया, महाराज वहाँ चलना, मैं चला गया तो जब देखा उनका ड्राइंग रूम, तो वहाँ मेरे ख्याल कोई भी एक्टर एक्ट्रेस नहीं होगी जिसकी फोटो न लगी हो। वो चाय ले आए, मैं कह मैं चाय नहीं पीऊँगा, तुम्हारा कमरा बहुत गंदा है। कहते नहीं महाराज हमने तो बिल्कुल देखो साफ किया हुआ है। मैं कह दीवारों की ओर देखो क्या क्या रखा है आपने, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये क्या है बताओ, ये तुम्हारी मासी लगती है, ताई लगती, चाची लगती, मामी लगती, कौन है बताओ तो सही, कौन है, फिल्म स्टार हैं जी, तुम्हारे घर में कैसे आ गए, ये तुम्हारे बच्चों का करेक्टर खराब कर देंगे। साची बात कबीरा कहे, सबके मन से उतरा रहे, मान गए वो इस बात को, अब आपकी मर्जी है, उतारो ना उतारो, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं चला। क्या कहा मैंने, क्योंकि दीवारों से भी तुम्हारे ऊपर असर होता है, फोटो से भी तुम्हारे ऊपर असर होता है, और जागृत में एक संत की फोटो देखो तुम, उनकी आंख में आंख डालकर देखो तुम, तुम्हें कुछ और मिलेगा, किसी विचारी की आंख में आंख डाल के देखो तुम, तुम्हें कुछ और मिलेगा। मैं गुरु मत की बात कर रहा हूं, मैं मन मत की बात नहीं कर रहा हूं। वो प्रोफेसर मन मत वाला था, मैं मन मत वाला नहीं हूं, मैं गुरु मत वाला हूं, और मेरे गुरु पूर्ण पार ब्रह्म शब्द ब्रह्म हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनसे कभी जुदा ही नहीं होता। मैं जो कहूं कि मेरा सांस भी वो ही है तो मैं गलत नहीं हूं, मेरा सांस भी वो ही है, मेरा सतगुरु बाबा फकीर और कोई हो नहीं सकता, उनके बगैर मेरा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता, ना हुआ है ना मैं किसी को मानने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ गुरु मत में आ जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मगर तुम तो इधर से सुनते हो, इधर निकाल देते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेरे शास्त्र ये कहते हैं कि औरत का गुरु कौन है, पति गुरु है, दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे देश की मेरी माताएं, मेरी बहनें गुरुओं की टांगें दबाती हैं, और वो गुरु भी ऐसे हैं कि जो माताओं को हाथ लगाते हुए देखते हैं,
वो कहाँ के गुरु हुए, वो कहाँ के महात्मा हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मैं किसी प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल था, मेरे पास एक ऑफिसर आया गाड़ी लेकर, कहते सर आपको फला महापुरुष ने याद किया है, बहुत बड़ा डेरा उसका, हाथी बांधे हुए, घोड़े बांधे हुए, मार कोई पता ना लगे कितना एरिया उसने कवर किया हुआ था। मैं चला गया, मेरे कार में ले गया वो मुझे वहाँ, तो बताया वो एक कुटिया सी में बैठे, कुटिया छोटी सी जिसमें एक वो तख्तपोश ऐसे लगा था, इधर दो चार कुर्सियाँ लगी थी, इधर दो चार कुर्सियाँ लगी थी, तो वो बैठे बड़े आराम से। तो उनकी टांगों को एक औरत दबा रही, मैं तो देखकर ही पहले मेरे तो पाँव से मिट्टी निकल गई। वो मेरे पास बैठा, मैंने कहा ये तेरा महात्मा का अंत आ जाएगा, बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं समझ गया, बात मेरी समझ रहे हो तुम, जो भी बात होनी थी हुई, मैं आ गया। फिर वापस फिर वो मुझे कहने लगा चलना, मैं कहा उसके पास पैसा बहुत है, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें को कहो कुछ दे दे, इसको कहो प्राइवेट कॉलेज है, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चियां पढ़ती हैं। तो उसने उसको कह दिया, अफसर को, साहब को वहाँ ले जाओ, बड़ा कमरा है वहाँ, जितने पंखे हैं वो सारे ले जाए, पंखे दुनिया ने चढ़ाए हुए, वो किसी के पंखों के पंख कहीं पड़े हैं, मोटर कहीं पड़ी है, मैं दो घंटे लाए, मैं कह यहाँ इकट्ठा कैसे करना भाई, छोड़ो इसको, हम नहीं यहाँ ढूंढ सकते, कोई टेक्निकल आदमी आए वो देखे कि ये मशीन किस पंखे की है, ये किसकी है, तभी तो लेकर जाए। मैं दोबारा नहीं गया। 6 महीने के बाद पता चला कि वहाँ गवर्नमेंट ने अटैक किया और उसका सब कुछ अरेस्ट कर लिया, ख़त्म हो गया, नाम ही नामो निशानी मिट गया उसका। क्या कह रहा हूँ मैं, सत्य कभी नहीं मिटता, झूठ के दिन निश्चित होते हैं, सत्य कभी बर्बाद नहीं होता, सत्य कभी आपको डूबने नहीं देगा, सत्य हमेशा आपको पार लगाएगा। इसलिए कहा गया है जिसके हृदय झूठ है ताकि हृदय पाप, जिसके हृदय सांच है तिसके हृदय आप। आप अंदर से सच्चा होने की कोशिश करो। ये गुरु मत की बात कर रहा हूँ, मैं मन मत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मुझे एक किताब दे दी, बहुत ऊंची किताब दे दी, मेरे मन की किताब पढ़ने को दिया और मुझे मन की किताब का पता लग गया कि मन है क्या, और मन से आगे सब कुछ है। जब तक तुम मन में हो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन मत नहीं होना है, गुरु मत में आके देखो, तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, केवल आज्ञा का पालन करो, केवल आज्ञा का पालन करो। क्या कह रहा हूँ मैं, आप आगे पढ़ो। माया काल कर्म की जड़ है हम में, माया काल की जड़ है हम में, सतगुरु ने बतलाया। सतगुरु ने क्या बताया? काल और माया हमारे जीवन की जड़ है। काल कहते हैं समय को, वक्त को, वक्त हमेशा एक नहीं रहता, और माया कहते हैं हमारे मन में आने वाले सभी कल्पनाएं, सभी वासनाएं, सभी इच्छाएं, जो कुछ भी हमारे मन में पैदा होता है वो माया है। माया का मतलब क्या है? दाता दयाल जी ने लिखा, मां सेंस पर मापना या मीन यंत्र, वो यंत्र जो चीज़ को मापता है, और वो क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारी अकल है, हमारी इंटेलेक्ट है, जो हमारे जीवन को गाइड करती है। और हमारी माया हर समय बदलती है, वक्त वक्त पर बदलती है, ये कभी स्थिर नहीं रही, ये ठहरी नहीं कभी भी। आप अंदाज़ा लगा लो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी कहीं बैठे हो तो तुम्हारे मन के विचार वहाँ के हो जाएंगे। क्या कहा मैं? मैंने एक बार तजुर्बा किया, जब मैं बस में बैठता था, बस में सफर किया है, एक बस में मैं सीट पर बैठ गया,
और मेरा मन इतने गंदे ख्याल उठाने लग गया, इतने गंदे ख्याल उठाने लग गया, मैं देखूं कब अगली सीट खाली हो तो मैं वहाँ से उठ जाऊँ। सीट खाली हुई, मैं दूसरी सीट पर जाके बैठ गया, मेरे को बड़ा ही आनंद आया, मैं मेरा मन ही बदल गया। दूसरी बात, मैं जब रामपुर धर्मशाला से मेरी ट्रांसफ़र रामपुर बुशहर हुई तो वहाँ सामान तो किसी और घर में रखा था, कुछ दिनों के बाद वहाँ से एक लड़की प्रोफेसर थी उसकी ट्रांसफ़र हो गई, वो जो गवर्नमेंट क्वार्टर था वो मुझे अलॉट हो गया। चलो मैं वहाँ शिफ्ट कर गया बच्चों के साथ, अपना आसन लगा लिया, हजूर का रूप रख लिया, पूजा के लिए बैठ गया सुबह उठकर। अरे मन कहाँ माने, मन में पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे गंदे विचार आने लगे। मैं तड़फ उठा, उठ गया, बड़ा राधा स्वामी जाप किया, ना मन ना ठहरे। दो दिन निकल गए, तीन दिन निकल गए, तीसरे दिन मैंने हेडमास्टर और जो हमारा जो टीचर हो गया उसको बोलते हैं हेड क्लर्क, उसके पास गया, मुझे अब नाम नहीं उसका याद। मैं क्या, ये जो कमरे ऊपर वाले आपने मुझे अलॉट किए पाई, उसमें कौन रहता था ये तो बता दो। वो हंस पड़ा, कहते क्या बात हुई प्रोफेसर साहब। मैं क्या, मेरा अनुभव कहता है कि वो लड़का हो या लड़की हो उसका ठीक नहीं था करेक्टर, नहीं मैं कहा ठीक नहीं था। वो हंस पड़ा, कहते आपको कैसे पता लगा। मैं क्या, वहाँ की दीवारों से मुझे पता चला, वहाँ की दीवारों से मुझे पता चल गया कि जहाँ रहने वाला ठीक नहीं था। कहते बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं कहते और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बुराई नहीं करना चाहता, मैंने अनुभव किया। इसलिए जहाँ संत बैठता है वह जगह बहुत भाग्यशाली होती है, वहाँ की वाइब्रेशन और होती है। मैं, मेरे पास एक सज्जन आए थोड़े दिन हुए, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के आईटी सेल के हेड, बातचीत चलती रही। मैंने कहा बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा जो कमरा था ना असली जहाँ मैं बहुत साल भजन किया वो वहाँ होता था, वो मकान बनाने के कारण उसको ढा दिया गया। और मेरे पास एक मेरा प्रेमी आया भी था, उसने कहा महाराज जी ये कमरा अपना ढाइए, इसमें बैठते ही हमें शांति मिलती है, उसने कहा था। मैं कहा मैं मजबूर हो गया क्योंकि बच्चे ने मकान बनाना था, अब ये कमरा मेरा है, लेकिन इसमें मैं बैठता हूँ ज़रूर, लेकिन अभी मुझे वो उड़ान नहीं मिलती क्योंकि अभी वो जगह कुछ मांगती है मेरे से, वो जगह कुछ मेरे से चाहती है। वो जगह क्या चाहती है कि मैं गुरु में लंपट हो जाऊँ, गुरु में मिल जाऊँ, गुरु में चला जाऊँ। मेरी बात समझ रहे हो आप, गुरु में तुम कब जाओगे, जब तुम्हारे अंदर प्रकाश और शब्द आ जाएगा तब तक तुम गुरु के पास नहीं पहुँचे। तुम बाहर मुखी जो मर्जी करते रहो, हमारा जो टीचा है, हमारा जो अंत समय है, जहाँ हमने जाना है, वो जगह है जिसको राधा स्वामी धाम कहा गया है। धाम वो होती है जहाँ परमानेंट हमने रहना है, ये दुनिया हमारा धाम नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक शब्द लिखा है, अपने धाम चलो भाई पराए धाम क्यों रहना, ये पराया धाम है। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने अभी ज़िंदगी को गुजारना है। मैंने ज़िंदगी के सब तहलके देख लिए हैं, मैंने सब कुछ देख लिया है, ज़िंदगी क्या है, बचपना क्या है, नौजवानी क्या है, वैवाहिक जीवन क्या है, बाप बन के देख लिया, दादा बन के भी देख रहा हूँ। और रात मेरा बेटा मुझे कहता, बात चल पड़ी, कहते डैडी जी आप परदादा भी बनोगे, परदादा से भी आगे बनोगे। मैं क्या, अच्छा आपके बड़े अच्छे ख्याल हैं बेटा, मैंने कहा। क्या कह रहा हूँ मैं आपकी बात, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में एक निश्चित समय, एक निश्चित
निश्चित करो कि ये हमने करना है। जब तुम ये निश्चय करोगे, कुदरत की सारी ताकत तुम्हारे चारों तरफ घूमने लग जाएगी और यू विल बी पुट ऑन द राइट पाथ। क्या कहा मैं, धन कमाओ, हक लाल की कमाई से कमाओ, खूब तरक्की करो। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर होने चाहिए अपने। क्या कहा प्रवीण मैंने, आप इतनी तरक्की करो, इतना आगे बढ़ो कि जो जो मालिक आपको दे रहा है उससे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और उसमें से कुछ शेयर उसके लिए भी रख लो। मैं ज़्यादा कभी नहीं कहता 1%, कलयुग का समय है, महंगाई का समय है, 1% अपनी कमाई का रख के देख लो और किसी गरीब की मदद करो, किसी दुखी की मदद करो। ये नहीं कि बड़े लंगर में डाल दो, लंगर में तो पैसा लोगों का बहुत होता है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। माया काल करम की जड़ है हम में, सतगुरु ने बतलाया। ये सतगुरु ने बताया, किस सतगुरु ने, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बताया कि बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। ये बताया मेरे सतगुरु ने। और मन में ही सब कुछ है, मन में ही धर्म है, मन में ही कर्म है, मन में ही दुनिया है, मन में ही दीन है, मन में ही ज्ञान है, मन में ही ध्यान है, मन में ही गुरु का रूप है और मन में ही गुरु का रूप नहीं है। वो गुरु का रूप फिर क्या बन जाता है, प्रकाश और शब्द बन जाता है, वो है गुरु का असली रूप। क्या कहा मैंने, आगे चलो। जो कोई इसके धोखे में आया, जो कोई इसके धोखे में आया, जीता बाजी गंवाया। किसके धोखे में, मन के धोखे में, माया के धोखे में जो आ गया वो अपना किया कराया सब कुछ ही गवा देता है। आगे पढ़ो। खड़की धार चले जो कोई, संभले कैसे मग में, खड़की धार चले जो कोई। किसकी चाल, खड खड, खग मीन पक्षी। अच्छा, खग की धार चले जो कोई, संभले कैसे मग में। वो खा क्या उड़ता है ना, कभी इस दरख्त पर, कभी उस दरख्त पर, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी पक्षी कभी बैठा देखा, जब पेट भर जाता तब बैठता, नहीं तो नहीं बैठता, और सारा दिन चुगता है। रात को ही बैठता होगा तो मैं कह नहीं सकता, मैंने देखा है गांव में अपने, मैं रोटी डालता हूँ ना, जानवरों को आते हैं, खाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, वो बैठते नहीं हैं। तो ऐसा आदमी जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है वो पक्षियों की तरह जीता है, उसमें ठहराव नहीं होता। ठहराव किस में होता है, ठहराव केवल गुरु मत में होता है। गुरु बता देता है, बच्चा तू यहाँ बैठ के सिमरन कर, अगले नंबर पर ध्यान में चला जा, तीसरे नंबर पर सुन में चला जा, चौथे नंबर पर महासुन में चला जा, और उसके आगे आपको पता लगेगा कि क्या है। कोई बात नहीं, मैं कुछ और भी बताऊंगा, ये ख़त्म करो, मुझे ख्याल आ गया, और ख्याल आ गया। हाँ, गिरत बढ़त कुछ देखन लागे, गिरत बढ़त कुछ देखन लागे, चोट सहे पग पग में। हाँ, वो फिक्रता उठता रहता है। आगे, राधा स्वामी की गुरुमत बानी, राधा स्वामी की गुरुमत बानी, साधन साध के साधा। साधन करना, साधन क्या होता है, वो साध साधन कर, साध कौन होता है, वो नहीं जो कपड़े डालता है, वो नहीं जो बनावट करता है, घर से बाहर निकलने के लिए काफ़ी टाइम लेता है, वो नहीं जो नशा करता है। ऐसे लोग भी हैं, संत ऐसे हैं जो नशा करके स्टेज पर जाते हैं, मैंने देखे हैं, मैं जानता हूँ, वो नहीं, वो संत नहीं है, उसका मन पर नियंत्रण ही नहीं है, वो भजन करने वाले नहीं है। साधन करो, घर में
मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा है कि साध कौन है? गृहस्थी सबसे बड़ा साध है, गृहस्थी सबसे बड़ा दानी है। ये जितने बड़े बड़े डेरे बने किनके नाम, किन सी सहायता से बने हैं, किन की मदद से बने हैं? गृहस्थियों की मदद से बने हैं। गृहस्थियों का धन है जो वहाँ लगा है। अगर गृहस्थी वहाँ ना जाएं तो क्या बड़े बड़े ये बन सकते हैं, बड़े बड़े धाम, बड़े बड़े डेरे बन सकते हैं क्या? किसी ताकत है लंगर लगाए लगातार? तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम दानी हो, तुम दानी हो, तुम महान हो। तुम्हारे घर पर आके भिखारी भीख मांगता है, तुम नहीं किसी के घर जाकर मांगते हो। तो तुम बड़े हुए या मांगने वाला बड़ा हुआ? क्या कहा मैंने? तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास मांगने वाला आया है और उसका धन्यवाद करो कि तूने आकर मुझे मेरा रूप बता दिया कि मैं कौन हूँ। मैं देने वाला हूँ, और देने वाला कौन है? मालिक। उसने मुझे दिया, मैंने आगे दिया। वो तुम्हें ऐसे बना देता है, तुम वही बन जाओगे। इसलिए साधन करना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि 2 घंटे बैठो, मैं कहता हूँ 5 मिनट बैठो, लेकिन दिल से बैठो। उस 5 मिनट में मन इधर उधर मत जाए, केवल गुरु के रूप में जज्ब हो जाए, तो देखो तुम भृंगी से क्या बन जाओगे, कीड़े से भृंगी बन जाओगे। इसलिए कहा ना, पारस लोहा कंचन करे। पारस जो होता है लोहे को कहते सोना बना देता है। गुरु कर ले अपने समान, गुरु अपने प्यारे शिष्य को अपने बराबर बना लेता है। ये उसी का गुण है, ये उसी की कृपा है, और किसी की कृपा हो नहीं सकती। अब एक शब्द निकालो, इसको बंद करो। मैं थोड़ा सा आप लोगों के हौसले वाली बात भी बता देता हूँ। देख प्यारे मैं समझाऊँ रूप हमारा न्यारा, स्वामी जी महाराज का शब्द निकालो, ताकि आप लोगों का रास्ता बड़ा आसान कर दूँ। आप लोग कहीं महसूस न करें कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। क्या करना है? देख प्यारे मैं समझाऊँ रूप हमारा प्यारा, न्यारा, प्यारा नहीं न्यारा। मिल गया? वही पेज खोलो ना जो पढ़ा आपने देखा। इतना आगे नहीं होगा भाई, मिल गए, मिल गया। हाँ। पढ़ो ये सुनना, अब आपके मतलब की बात कह देता हूँ, आपको कुछ बता देता हूँ कि तुम मत घबराओ। पढ़ो, तुम्हें करना क्या है वो बताता हूँ। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब किसी शिष्य ने अपने गुरु जी को कहा महाराज मुझे अपना रूप दिखाओ, ये हजूर राय सारग्राम साहब जी महाराज का शब्द है, जिसमें उन्होंने दत्त अपने स्वामी जी महाराज को लिखा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये पहला शब्द था जिंदगी में मैंने जो हजूर परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर गाया था। पहले दिन जब मैं आया उन्होंने पहले ही खोल के रखा हुआ था, बच्चा ये शब्द पढ़। और उस शब्द के बाद ये शब्द मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि यही शब्द मेरी जिंदगी को बदलने वाला है। कैसे? दाता कहते हैं देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। हमारा रूप मीन मेरे अकेले का नहीं, तुम्हारा भी। मेरा और तुम्हारा रूप कोई अलग अलग नहीं है। अगर कहते ना कि तेरा मेरा रूप वो अलग है, ये मैं समझता हूँ उन्होंने हमारा कहा है। कैसे? आगे पढ़ो अगली लाइन।
देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। हमारा कहा है ना, आगे पढ़ो। वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लगे देऊं न सहारा। वो कहते हैं इस मेरे रूप को, जो अपने रूप को कोई नहीं देखता जब तक मैं सहारा ना दूं। गुरु का सहारा बहुत जरूरी है। गुरु तो एक ऐसा स्तंभ है जो तुम्हें नीचे से उठाकर चोटी पर पहुंचा देता है। वो हमारा आधार है। गुरु का शब्द हमारे जीवन का आधार है। वो शब्द गुम हो जाएगा तो हमारा बोलना भी गुम हो जाएगा, हमारा शरीर भी साइलेंट हो जाएगा, हमारी नब्ज भी बंद हो जाएगी, हमारे हार्ट की धड़कन भी ख़त्म हो जाएगी। मैं बहुत ऊंची बात आपसे कर रहा हूँ। कैसे, आगे पढ़ो। उसकी दया है, उसकी कृपा है कि वो तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर नहीं है, तुम्हारे घट में है। और यही सब संतों ने कहा, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। यही कबीर साहब ने कहा, मैं तो हूँ, मैं बंदे तेरे पास हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ। देही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ, खोज कर लो अपने आप में। मगर क्या हमने कभी कोशिश की है आंख बंद करके देखे कि मैं कौन हूँ, हुआ माई मैं कौन हूँ। विवेकानंद जी ने जब अपने गुरु के पास गए, उन्होंने एक ही सवाल किया था, मैं कौन हूँ। भगवान नहीं कहा, संतों ने भगवान की खोज नहीं की, उन्होंने उसको खोज लिया और पहुँच गए वहाँ। और वो क्या कहा कि वो एक सागर है, उसकी सीमा कोई नहीं, ही इज एन इन्फिनिट पावर। वो अकह है, अपार है, अगम है, अलख है, वो देखा नहीं जा सकता, उसकी था कोई नहीं, उसकी सीमा कोई नहीं, उसका नाम भी कोई नहीं है। हमने उसका नाम रखा है। हम आए सत्युग में कोई नाम नहीं था, कुदरत को लोग मानते थे। त्रेता युग में राम जी आ गए, वो ताकतवर थे, हमने उनको ही भगवान कह दिया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की, हमने उनको ही पूजा करनी शुरू कर दी। अब कलयुग है, कलयुग में गुरुमत क्या ज़्यादा जोर है। गुरुमत क्या है, वो इंसानियत बताता है कि इंसानियत क्या है। जहाँ ये बात नहीं बताई जाती, इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने जहाँ मानवता मंदिर में स्थापित करके मानवता का झंडा लहराया हुआ है और कह दिया, पहले इंसानियत उसके बाद रूहानियत। जो इंसान नहीं बना वो भगवान को क्या पाएगा। क्या कहा मैंने, इसलिए ये आपको मैं सुना रहा हूँ और आपको कुछ बताने जा रहा हूँ इस शब्द के सहारे। आगे पढ़ो। कहनी करो मार मन डालो इंद्रियों के द्वारा। एक बड़ी बात जो तुमने करनी है, मन को कंट्रोल करो, मार मन डालो, करनी करो। करनी क्या होती है, एक होता है कर्म जो हम रोटी खाने के लिए करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या और कोई काम करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी का जो गुजारा है, कपड़ा अच्छे पहने, रहने को मकान अच्छा मिले, खाने को अच्छा रोटी मिले, परिवार तरक्की करे, ये हमारी कर्म है। करनी है अपने अंदर, अपने आप को ढूंढना कि मैं कौन हूँ। सब कुछ करते हुए, सब कुछ करते हुए गुरु नानक साहब जी महाराज ने कह दिया कि तुम्हें योगी बनने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ के सुना दिया आपको, क्या करना, हसन दिया, खडन दिया, पहन दिया, विचय हुए मुक्त। परिवार में रहते हुए, दुनिया को भोगते हुए, बच्चों से प्यार करते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए तुम उस घर को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कहा है
मार मन डालो, करने करो मार मन डालो, और इंद्री रोग द्वारा अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो। सबसे बड़ा दोषी हमारी आंख है, आंख को बंद रखो, दुनिया देखने के काबिल नहीं है। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदलती रहेगी। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने एक बहुत प्यारी एग्जाम्पल हमें समझाई हुई है कि कोई नौजवान गया महाराज के पास, अपने संत के पास, कि महाराज वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है, मेरी उससे शादी करवा दो। संत बड़े पहुँचे हुए थे, कहते कोई बात नहीं बेटा, आपकी मालिक मनोकामना पूरी करेगा, वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो महाराज जी उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने किसी बेदी को पकड़ा, पूछा कि तुम उस लड़की को जानते हो? कहते हाँ जी महाराज मैं जानता हूँ। कहते ऐसा करना, उसको जमाल गोटा दे देना किसी तरीके से खाने के लिए। जमाल गोटा जानते हैं, जिससे आदमी को लूज मोशन लग जाते हैं, वो आप उसको दे देना लड़की को, और फिर दूसरे दिन मुझे बता देना। कहते महाराज मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया लिया। अब उस लड़की बेचारी को लूज मोशन लगे और वो जितनी ताकत थी वो सब जाती रही, सब जाती रही। और जब वो पता लगा तो महाराज जी के पास वो आया, कहते जा अब तू ऐसा कर, जाके देख ले उस लड़की को और उससे शादी कर ले, मैं तुम्हें आज्ञा देता। वो गया, जाकर देखा वो चारपाई पर पड़ी है, पीला रंग सब कुछ, वो है ही नहीं, हुस्न ही नहीं है, हुस्न कहाँ रहता है? आदमी का हुस्न चला गया, वो डर गया देखकर। कहती तुम वो ही हो? लड़का पूछता ये तुम्हें क्या हो गया, तेरी सुंदरता कहाँ गई? कहती वो खेत में जाकर देख ले, वहाँ जा देख ले, मेरी सुंदरता वहाँ पड़ी है। आ गया, आके गुरु के पाँव पड़ गया, कहते महाराज आपने मेरी आँख खोल दी, मेरा मन भटक गया था, मेरे मन पर मेरी आँखों पर कंट्रोल नहीं था, आपने मेरी आँखों की दृष्टि ही बदल दी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या कहा मैंने आपको? ये हजूर परमदयाल जी महाराज की वाणी आपको बताई है। और ये दाता स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, पढ़ो यही लाइन, करनी करो मार मन डालो, इंद्रियों के द्वारा। ये है तुम्हारा कर्म, तुमने करना है, मैंने नहीं करना, मैंने अपने लिए कर लिया, मुझे फल मिल गया, अब तुमने अपने लिए करना है, तुम्हें भी फल मिलेगा। आगे क्या कहा, आगे पढ़ो। सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा। जब ऐसा हो जाएगा, तुम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लोगे, तो तुम्हारी सुरत जो है वो हल्की हो जाएगी, तुम्हारा मन नहीं रहेगा, तुम मन से ऊपर चले जाओगे और तुम्हारी सुरत यहाँ ऊपर जाना शुरू कर देगी। ये कह रहे हैं दाता स्वामी जी महाराज कि जब तुम ये कर लोगे, बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाओगे, इंट्रो एक्सट्रोवर्ट की बजाय इंट्रोवर्ट हो जाओगे, मन को नीचे ले जाने की बजाय मन को ऊपर को ले जाओगे, अपनी शक्ति को नीचे बहाने की बजाय उसको ऊपर कंट्रोल करोगे, तो तुम्हारी सुरत भी हल्की हो जाएगी, तुम गगन पर चढ़ जाओगे, ऊंचे से ऊंचे उड़ जाओगे। क्या कहा मैं, करके देखो, ये करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, जो करने करे तो पावे सार, उसी को सार मिलेगा। आगे सत पुरुष का रूप दिखाऊं, फिर मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, सत पुरुष के दर्शन करवा दूंगा। वो कहाँ है, अलख अगम से भी परे है, मन से परे है, जहाँ कुछ नजर नहीं आता वहाँ से परे है, जहाँ कोई था नहीं है वहाँ से परे है, और वो अनामी पुरुष है, वो राधा स्वामी है, जो शरीर मन आत्मा ख्याल विचार
सबसे आगे है, ना वहाँ ध्यान है ना वहाँ सिमरन है, वहाँ सिमरन अपने आप हो रहा है, वो तुम्हें पकार रहा है। इसलिए कबीर साहब ने लिख दिया, माला फेरू ना हर भजूं, माला फेरूं ना हर भजूं, मुख से कहूँ ना राम, मैं राम भी नहीं कहता, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। वो तो मुझे ही भज रहा है, वो तो मेरा ही नाम ले रहा है, मैं क्यों, मुझे तो विश्राम मिल गया, मुझे विश्राम नहीं मिलेगा जब तक मैं उसी वाणी को नहीं सुनता जो मेरे गुरु ने मुझे बताई है। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो यही लाइन, सत पुरुष का रूप दिखाऊं, पाके आगे राधा स्वामी वह निज रूप हमारा। उससे आगे मेरा रूप है, गुरु का रूप उससे आगे है, लेकिन अब आगे और बता रहे हैं, वो बात पकड़नी है आपने, आगे चलो। धीरज धरो करो सतसंगत, मैं हर दया से ले सुधारा। वो कहते हैं तुम क्या करो, धीरज धरो करो सतसंगत, दया मेहर से करे तुम्हें पारा। वो तुम्हें दया करेंगे कब, जब तुम धीरज रखोगे, ये एक दिन का काम नहीं है। सत्संग करो, संत मत में कहा गया है हफ्ते में एक बार सत्संग जरूर करो, एक बार नहीं हो सकता तो 15 दिन बाद करो, 15 दिन नहीं हो सकता तो महीने बाद करो, और महीने बाद नहीं तो 6 महीने के बाद करो, अरे कुछ नहीं होता तो 1 साल में एक दिन जरूर सत्संग कर लो साफ होकर। ये इतनी बड़ी छूट दी है, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग में तुम्हारे मन को धोया जाता है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करता है, मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ, इसलिए लोग मेरे पास आते नहीं हैं, डरते हैं कि बाबे ने हमारा मन ही चीर देना है, हमारे मन से सब कुछ निकाल देना है। इसे कहा करते थे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी। कबीर का एक शब्द है, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता, अगर मुझे वो मिले ना होते तो न जाने मेरी हड्डियां भी आज तक ना होती, मैं कहीं नजर नहीं आ सकता था। ये उनकी कृपा से मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ, ये उनकी दया है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने उनके वचन की कोशिश करता हूँ पालन करने की। देखो बच्चों, मैं भी कभी कभी गिर जाता हूँ, आपको मैं सत्य कहता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे फिर अंदर से एक आवाज़ आ जाती है, बच्चा संभल किधर जा रहा है, मुझे गाइड कर देते हैं, मेरी संभाल कर लेते हैं। सतगुरु ऐसे संभाल करता है जैसे माँ बच्चे की संभाल करती है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। ताके आगे राधा स्वामी, और आगे पढ़ो ना, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। पहले क्या कहा, धीरज धरो करो सत्संगा, यही कहा ना, फिर अगली लाइन ये है जी, दोनों लाइन द्वारा पढ़ो। धीरज धरो करो सत्संगत, मैं हर दया से ले सुधारा। तुम्हें सुधारेंगे, तुम विश्वास करो, धीरज धरो, धीरज धरो करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। ये भी नोट कर लो, पूर्ण आशा होगी, जो भी तुम्हारी आशा सच्ची आशा हो, किसी की बुराई की ना हो कि उसका ये हो जाए तो तुम्हारा भी पहले हो जाएगा बुरा। सबका भला मांगोगे तुम्हारा भला होगा, अपने परिवार का भला मांगो, अपने पड़ोस का भला मांगो, अपने शहर का भला मांगो, और हो सके तो सारी मानवता का भला मांगो,
तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। वह तो रूप दिखा कर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करो पुकार। ये गारंटी है स्वामी जी महाराज की, गारंटी है कि तुम जल्दी मत करो, मैं तुम्हें वो रूप दिखा के छोड़ूंगा, बिशर्ते के जो कहा गया उस पर तुमने चलना है। आगे। तुम्हारी चिंता मैं मन धारे, तुम अचिंत रहो धरो पिया। अब अगली कंडीशन और लगा दी है, तुम चिंता करनी छोड़ दो। क्यों? तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं, तुम्हारी चिंता मुझे होगी, तुम क्या करो, तुम अचिंत रहकर धरो प्यारा, तुम अपने अंदर प्यार पैदा करो, चिंता सारी मुक्त हो जाओ, चिंता मुझे दे दो, चिंता मैं करूंगा तुम्हारी, तुम अचिंत रहकर अपने अंदर अपने आप से उस रूप से प्यार करो, बस इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तुम चिंता मुक्त हुए नहीं, तुम्हारा काम बना नहीं, तुम्हारी चिंता, तुम्हारे मन की हलचल, तुम्हारी दौड़ धूप तुम्हें आगे नहीं जाने देती, तुम्हें संदेह रहता है, तुम्हें शक रहती है, तुम्हें डाउट रहती है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूँ तुम निश्चय करो, तुम मांगो मिलेगा। वेयर देयर इज डिमांड, मेरे सतगुरु जी का वचन है परमदयाल जी महाराज का, बच्चों वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई, जो तुम मांगोगे सच्चे दिल से तो तुम्हें मिलेगा। और यहाँ भी गारंटी दे दी है कि तुम चिंता छोड़ो, तुम्हारी चिंता तुम्हारे गुरु को है, तुम क्या करो, तुम अंदर प्यार करो, किससे प्यार करो, उस शब्द से प्यार करो, गुरु के रूप से प्यार करो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। आगे पढ़ो। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत सहारा। आप क्या करो, दृढ़ विश्वास करो, दृढ़ विश्वास, और फिर क्या होता है, विश्वास से आगे और क्या होता है, एक चीज और होती है, विश्वास और श्रद्धा, दो बातें, प्रतीति और प्रीत, श्रद्धा और विश्वास रखो। किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, अपने गुरु पर विश्वास रखो, अपने इष्ट पर प्रभाव रखो। कैसे? जैसे मीरा ने रखा कि गिरधर का ये जो प्रसाद आया है ये जहर नहीं हो सकता, ध्यान किया अपने गुरु का। गुरु कौन थे उनके? रविदास जी महाराज, जो जूते बनाया करते थे वो मीरा के गुरु थे, वो थे उनके गुरु। ध्यान किया और गट गट करके पी गए, कुछ नहीं हुआ। क्या कहा मैंने, ये मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि ऐसा विश्वास अगर आपका हो जाए तो तुम पहाड़ को भी हिला सकते हो। क्या कहा मैंने, करो दृढ़ विश्वास, करो दृढ़ श्रद्धा रखो, किस पर, गुरु के वचन पर रखो। आगे चलो। यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दूर दरबारा। एक बात और कह दी, जब तुम मेरी बात पर चलोगे, दाता स्वामी जी कहते हैं ये करनी मैं आप कराऊंगा, आपसे सब कुछ, तू क्या करता है, ये टेलीफोन फेंक दे वहां, टेलीफोन क्यों लाते हो अंदर, पाठ करते हो कि टेलीफोन देखते हो, मुझे डिस्टर्ब करते हो आप, घर लौट जाओ। बी गुड बॉय, सत्संग में बैठे हो और स्वामी जी महाराज को पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, पढ़ो वही लाइन। मैं आंख लाल भी करना जानता हूं, क्रोध नहीं करता हूं, आंख लाल कर सकता हूं, ताकि तुम मुझे अपना फुटबॉल ना बना लो। बाबा जी महाराज ने कहा हुआ है फुटबॉल नहीं बनना,
तो मैं कभी कोई इधर को किक मारे, कभी इधर को किक मारे, आई डोंट अलाउ। बात समझ गए? पढ़ो यही लाइन। यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दूर दरबारा। जब तुम उसके हो जाओगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम अपने मन को गुरु को दे दो, सुबह शाम दे दिया करो, लो मैं कुछ नहीं सोचना है, तेरा नाम ही स्मरण करूंगा। जो भी नाम तुम अच्छा समझते हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम राधा स्वामी के नाम का स्मरण करो भाई, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें नाम दिया वो करो, लेकिन मेरे गुरु ने तो मुझे यही नाम दिया है। कौन सा नाम? राधा स्वामी। कौन सा राधा स्वामी? मेरी सुरत का मालिक राधा स्वामी, मेरे शरीर का मालिक राधा स्वामी, मेरे मन का मालिक राधा स्वामी, मेरी आत्मा का मालिक राधा स्वामी और मेरे सारे जीवन का मालिक राधा स्वामी। मैं और किसका नाम स्मरण करूं? क्या कहा मैंने? इसलिए यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। सब जग का मतलब ये नहीं है कि सारे आके तुम मत्था टेकेंगे। तुम्हारी मदद होती रहेगी, जहाँ तुम्हारे लिए कोई कष्ट आएगा तुम्हारी मदद होगी होगी होगी, किसी भी रूप में हो सकती है। वो कंडक्टर के रूप में भी आ सकता है, वो किसी नौजवान के रूप में भी आ सकता है, वो किसी बूढ़े के रूप में भी आ सकता है, वो किसी माता के रूप में भी आ सकता है, किसी तरह से वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। मैं बता दूँ आपको अपनी कथा, छोटी सी एक बात बता देता हूँ। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई पटियाला से रामपुर, पटियाला से मैं गया नारनौल, वो राजस्थान के बॉर्डर पर पुराना पंजाब जो था 1965 में, आप समझ गए, आज से 55 साल पहले की बात करने लगा हूँ आपसे, 58 साल पहले की। तो गाड़ी में बैठ के अपना अटैची उठाया, मालिक का ध्यान किया, चलो बाबा जी जा रहा हूँ आपकी नौकरी करने के लिए, आपने मुझे बना दिया, कॉलेज का प्रोफेसर बना दिया। बैठ गए गाड़ी में, सुबह 4 बजे चली पटियाला से, शाम को 7 बजे उसने नारनौल पहुँचना, 7 बजे शाम को, कितने घंटे का रन देख लो, 12 से 7 कितने हो गए, 19 घंटे चल पड़े। जब 20-25 किलोमीटर रह गए तो दुनिया आ रही है जा रही है आ रही, कभी जींद आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कहीं रोटी खाने बैठ गए, मैंने भी उतर जाना, मैं जब चलता हूँ तो रोटी नहीं मेरे से खाई जाती, क्यों नहीं खाई जाती, क्योंकि गाड़ी वाले ने पता नहीं कब ड्राइवर ने चल पड़ना, तुम वही रह जाते, मैं तो भी नौकरी करने जा रहा हूँ, फिर ड्राइवर निकल गया तो मैं क्या करूँगा। मैंने चाय पी, चलो बैठ गए दोबारा, चलो चल पड़े। जब 20 किलोमीटर रह गए होंगे तो कंडक्टर मेरे पास आ गए, मैंने नहीं सोचा कि मैं कहाँ ठहरना है, कोई सोचा ही नहीं, कल को ड्यूटी ज्वाइन करनी, भले आज तो सोच भी रात कितने रहना, कहाँ रोटी मिलेगी खाने को, कुछ नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ बाबा फकीर है दिमाग में कि वो मेरे साथ चले हैं जिन्होंने नौकरी दी है। तो 20 किलोमीटर रहने पर कंडक्टर मेरे पास आया, ध्यान से सुनना, मुझे कहता बाबू जी बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या, जहाँ आपकी बस जा रही है, नारनौल जा रहा हूँ। आप पहली दफ़ा जा रहे हैं? मैं क्या, मैं बेटा पहली दफ़ा जा रहा हूँ, क्योंकि वो छोटा था मेरी उम्र से। वहाँ आपका कोई वाकफ है? मैं क्या, मेरा कोई वाकफ नहीं बेटा। तो कहाँ नौकरी तुम्हारी? मैं क्या, कॉलेज में, मैं कल ज्वाइन करना है। तो अच्छा आप रहोगे कहाँ? मैं क्या, मालिक जाने मैंने कहाँ रहना, कोई पता नहीं, वहाँ पहुँचूंगा तो देखूंगा। वो जकदम बोला, कहता जी आपको कोई चिंता नहीं है, बाबू जी आपको कोई चिंता नहीं है, हमारा कमरा है वहाँ अड्डे में और कॉलेज बिल्कुल सामने है, वहाँ हम रात को तो ठहरते नहीं, दोनों चौकीदार है, बिस्तरे लगे हुए हैं, कोई कमी नहीं है, तो हमने तो 4 बजे वापस आना होता है तो बस में ही सो जाते हैं। मैं, अच्छा आपने हमारे कमरे में रहना,
आपको खाना भी मिलेगा, आपको सुबह नहाने के लिए पानी भी मिलेगा। चलो मैं बस पहुंची, मेरा अटैची उठाया और कमरे में ले जा लिया। उसको बुला लिया, चौकीदार तो पहले इंतज़ार कर रहा था कि देख ये हमारे मेहमान हैं, इन्होंने कल कॉलेज में ज्वाइन करना, पानी लाओ, हाथ मुँह धोलाओ, उसके बाद खाना खिलाओ और सुबह भी नाश्ता करवा के बाबूजी ने उठे भेजना। टैची इतने ही रहन देना, वापसी तो ले लेंगे। अब ये खेल किसने खेला? मैंने तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एक नहीं, मेरी जिंदगी के सभी जितने भी चमत्कार नहीं कहूँगा, सहारा कहूँगा, मेरी जिंदगी में मुझे कभी कोई रुकावट नहीं आई बच्चों, क्योंकि मेरे पास मेरे दाता का आशीर्वाद है। तो ये करनी मैं आप कराऊं, कब? जब तुम उसके हो जाओगे। कब होगे उसके? जब मन से आगे जाओगे, जब मन में बैठकर उसके नाम का सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। आगे पढ़ो। राधा स्वामी कहते सुनाइए, जब जब जैसी बौझ बिचारा। राधा स्वामी ने कह दिया, स्वामी जी महाराज ने कह दिया, संत रूप में आकर कह दिया कि जैसी जैसी मौज होगी तुम्हारा काम होता जाएगा। किसकी मौज? गुरु की मौज। इसलिए कहा गया गुरु की मौज को निहारो, गुरु के हुक्म को सुनो, गुरु के हुक्म की आज्ञा का पालन करो, तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। अब इससे परे और कोई संत क्या कहे कि तुम अपनी चिंता दे दो, तुम तो पैसे देते हो ज़्यादा, चिंता को अपने पास रखते हो, पैसे भी दो भाई, मंदिर है या रोटी खानी तुम लोगों ने, बिजली चल रही है, इसकी पेमेंट करनी है, आप समझ गए ना, तो आपकी सेवा हो रही है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर दान करो, दान करोगे धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी। और क्या कहूँ मैं आपको, फिर पढ़ दो यही आखिरी लाइन। राधा स्वामी कहते सुनाए, जब जब जैसी मौज बिचारा। मौज के अनुसार आपकी जिंदगी में आपकी मदद होती रहेगी। आपके सामने बैठा हूँ, अपनी जिंदगी का एक आपको मिसाल मैंने दे दी, ना कुछ किया न कर सका न करने जोग शरीर, जो कुछ किया गुरु किया भयो कबीर कबीर, ये कबीर साहब ने कहा। मैं भी इसी को रिपीट करता हूँ कि शरीर बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे शरीर के क्या हो रहा है अंदर मुझे कुछ भी पता नहीं है, अंदर कोई और हस्ती काम कर रही है, अंदर कोई और हस्ती मुझे प्रेरणा दे रही है कि मैं ये आपको कह दूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरी ज़िंदगी क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरा मालिक है, वो परम तत्व है, वो राधा स्वामी है, वो दयाल नहीं बल्कि वो परम दयाल है, बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरे सतगुरु परम दयाल, वो बिन मांगे सब कुछ देते हैं। लोग मांगते हैं, यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, ये परम दयाल जी महाराज का स्थान है, जहाँ इच्छा लेकर आओ और इच्छा को पूर्ण अपने दिल में रखो, वो एक दिन पूरी होगी पूरी होगी पूरी होगी। ये मैं अपने मुखारबिंद से आपको आशीर्वाद के रूप में कह रहा हूँ। आप सबको मैंने बहुत कुछ आज आपको कह दिया, मन मुख से गुरुमुख बनने के लिए भी कह दिया, फिर राधा स्वामी को प्राप्त करना है या गुरु की दया को प्राप्त करना है तो वो भी आपको कह दिया कि आपने चिंता कोई नहीं करनी। और आखिर में आप सबके लिए फिर इस नए वर्ष की शुभकामना करते हुए, आप सुखमय रहो, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपके घरों में सुख शांति धन दौलत की क्या कहूँ वर्षा हो जाए, आपकी तंदुरुस्ती बनी रहे, आपकी लंबी आयु हो, आप बच्चों को पालो, अच्छी शिक्षा दो, उनको काबिल बनाओ,
और आपके सभी काम मेरा सदगुरु करेगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, अलख अगम आरामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, परम संत का रूप धरा, जीवों पर उपकार किया, सच्चा मार्ग दिया, आए धुर बदरामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।